हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4 व्हिच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमें एक बार ग्राफ दिया गया है और इस बार ग्राफ में हमें यह बताया गया है कि किसी बुक स्टोर में 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स में कितनी बुक्स सेल हुई हैं। 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार, यानी कि 5 लगातार ईयर्स में कितनी बुक्स सेल हुई हैं वो यहाँ पर हमें दिया गया है। और इसी से रिलेटेड हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जिसके आंसर हमें यहाँ पर देने हैं। पहले तो इस बार ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो इसमें से ज़्यादातर जो बार है वो देखिए वो राउंड फिगर की वैल्यू के हिसाब से नहीं है। अगर आप इस बार को देखें 1989 में कितनी बुक सेल हुई हैं, तो ये 200 से थोड़ा नीचे हैं। तो हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं कि ये लगभग 180 के आसपास है, तो यहाँ पर हम इसको 180 मान लेंगे। 1990 में जो ये बार है, देखिए कहाँ तक आ रहा है, ये 500 पर नहीं है, उससे थोड़ा नीचे है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम 475 ले सकते हैं। 1991 में आप चेक करेंगे तो ये 300 पूरा है। 1992 में अगर आप देखेंगे तो ये 200 से थोड़ा ऊपर है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 225 आप इसको ले सकते हैं। 1993 में अगर आप बार देखेंगे तो ये 600 पे यहाँ पर मैच कर रहा है, यानी कि 1993 में कितनी बुक सेल हुई, 600 बुक सेल हुई। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया स्टूडेंट्स अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992, यानी कि हमें यह बताना है कि 1989, 1990 एंड 1992 में कितनी बुक्स बिकी। अब यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1989 का बार अगर आप चेक करें तो ये 200 से थोड़ा नीचे है, तो यहाँ पर हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 180 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1989 के आगे 180 अप्रॉक्स, यानी कि ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, यानी कि 1989 में लगभग 180 बुक्स सेल हुई हैं। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि 1990 में कितनी बुक्स बिकी है। अगर आप यहाँ पर बार को देखें तो ये 500 से थोड़ा नीचे है, तो यहाँ पर हम जज कर सकते हैं कि ये लगभग 475 है। तो यहाँ पर हमने लिखा 1990, 475 अप्रॉक्स, यानी कि 1990 में लगभग 475 बुक्स बिकी हैं। अब हम देखेंगे 1992 में कितनी बुक्स बिकी हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस बार को देखें तो ये 200 से थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ पर हम जज कर सकते हैं कि लगभग 225 है। तो यहाँ पर हमने लिखा 1992, 225 अप्रोक्स, यानी कि 1992 में लगभग 225 बुक्स बिकी। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, यानी किस साल में लगभग 475 बुक्स बिकी हैं। और इसी क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछा गया है अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, यानी किस साल में लगभग 225 बुक्स बिकी हैं। अगर आप इस बार ग्राफ में 1990 के बार को चेक करें स्टूडेंट्स, तो आप इजीली देख सकते हैं कि ये बार 500 से थोड़ा कम है, यानी कि लगभग 475। इसका मतलब 1990 में लगभग 475 बुक्स बिकी। और अगर आप 1992 के बार को चेक करें तो ये 200 से थोड़ा ऊपर है, यानी कि 1992 में लगभग 225 बुक्स बिकी हैं। तो यहाँ पर हमने आंसर में यही लिखा है, इन द ईयर 1990 अबाउट 475 बुक्स वर सोल्ड, यानी कि 1990 में लगभग 475 बुक्स बिकी थी। और यहाँ हमने लिखा है इन द ईयर 1992 अबाउट 225 बुक्स वर सोल्ड, यानी 1992 में लगभग 225 बुक्स बिकी थी। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स, इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, यानी इस बार ग्राफ में हमें जिन ईयर्स का रिकॉर्ड दिया गया है ऐसा कितनी बार हुआ है, कौन कौन से ईयर्स में हुआ है जब 250 से कम बुक्स बिकी हैं। तो इस बार ग्राफ में आप इजीली चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि 1989 के बार को अगर आप देखें तो ये 200 से नीचे है, यानी कि 1989 में 250 से कम बुक्स बिकी थी।
और अगर आप 1992 के बार को चेक करें तो ये 200 से थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि 1992 में भी 250 से कम बुक्स बिकी थी। तो थर्ड पार्ट के आंसर में हमने लिखा है 1989 एंड 1992, यानी कि 1989 में और 1992 में 250 से कम बुक्स बिकी थी। फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989? क्या आप ये बता सकते हैं कि आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि 1989 में कितनी बुक्स बिकी? तो इसके आंसर में हमने लिखा है, बाय रीडिंग द ग्राफ वी कैन कैलकुलेट दैट अबाउट 180 बुक्स वर सोल्ड इन 1989। यानी कि ग्राफ को रीड करके हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1989 में लगभग 180 बुक्स बिकी थी। आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि 1989 के बार को अगर आप देखें तो ये 200 से थोड़ा नीचे है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1989 में अप्रोक्सीमेटली 180 बुक्स बिकी। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।